रुद्रपुर में तीन सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यव्यापी बंगाली सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में हजारों की संख्या में बंगाली समाज से जुड़े लोग मौजूद रहे और इसी बीच बंगाली समाज के वक्ताओं ने राज्य और केंद्र सरकार से समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा देने, छात्रों को बंगाली शिक्षक और पाठ्यक्रम पढ़ाए जाने समेत बंद छात्रवृत्ति को फिर से शुरू करने की मांग उठाई। बंगाली समाज के वक्ताओं ने कहा कि भारत के 7 राज्यों में अनुसूचित जाति का पूर्ण दर्जा बंगाली समाज को मिल रहा है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तराखंड और यूपी में बंगाली समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब बंगाली समाज जाग चुका है और वो वोट के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। सुंदर कार्यक्रम रुद्रपुर बुके मध्य হচ্ছে আমাদের সম্মানিত মঞ্চ আজকে আমরা এখানে ভাষণ দিতে আসলাম। আজকে আমরা নিজের হক চাইতে আসছি এখানে। আমাদের দাবিটা কি? আমাদের দাবিটা এইখানে আমাদের বাঙালি সমাজে যদি কোনো অধিকারী বসে তাহলে কোন হবে? এপিডিবি সাথে এখানে বসে আছে, এনে কই আদালতে এই আদালতের রাফারি বোর্ডে ভারত সরকারে পাঠাইছে। আর আজকে রাষ্ট্রীয় অনুসূচিত জাতি আয়োগ এমন হালদার দিয়ে আসছে, তাই এই দুইজনই কাজ করছে।